हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। दगरु सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड नियर रेडियो स्टेशन दरभंगा, 50% तक कम मेकिंग चार्ज किसी भी दूसरे ब्रांड से। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2022-23 जीडी गोइंग का पब्लिक स्कूल, डे एंड रेसिडेंशियल स्कूल, नर्सरी टू ग्रेड 7, दरभंगा समस्तीपुर रोड डीहलाही दरभंगा। देवरानी जेठानी कामी कॉम्प्लेक्स, मशरफ बाजार, सुभाष चौक दरभंगा, मेंस, लेडीज और किड्स वियर के साथ विंटर वियर, लहंगा, कुर्ती और शेरवानी। एडमिशन ओपन फॉर सेशन 2020-23 दार्जिलिंग की शिक्षिकाओं की देखरेख में पूर्णतः अत्याधुनिक शिक्षा व्यवस्था, सेंट जेवियर्स पब्लिक स्कूल प्री नर्सरी टू 10th वीआईपी रोड अलपट्टी दरभंगा। ओपनिंग शॉर्टली फॉर ऑल टाइप्स ऑफ नकाब, नूर जहां एवं महारानी फैमिली कलेक्शन, मेन रोड मौलागंज दरभंगा। जीजे ज्वेलर्स राजकुमारगंज मिर्जापुर दरभंगा, 25% तक की छूट मेकिंग चार्ज पर, डायमंड पर 20% का डिस्काउंट। नीट में सर्वाधिक रिजल्ट, IITN और डॉक्टर्स द्वारा संचालित ग्रे मैटर खानका चौक दरभंगा लाया है जूनियर एंड जी सेक्शन। बिहार में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन जारी, काफी कुछ हो गया अनलॉक। कोरोना स्थिति की समीक्षा के बाद 8वीं कक्षा तक के सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी विद्यालय और महाविद्यालय एवं कोचिंग संस्थान 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। जी हां, इस वक्त बिहार से यह बड़ी खबर है, बिहार से है यह बड़ी खबर, जहां कोरोना अनलॉक को लेकर गाइडलाइन जारी कर दी गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट कर ये तमाम जानकारियां अभी तुरंत दी हैं। इसी वक्त जब हम यह समाचार कंपोज कर रहे हैं, इस वक्त ही क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक खत्म हुई है और नीतीश कुमार बिहार के चीफ मिनिस्टर ने इस बारे में अपने ट्विटर हैंडल से जानकारी साझा की है। सीएम नीतीश ने कहा है कि कोरोना की स्थिति की समीक्षा की गई है, कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार को देखते हुए 8वीं कक्षा तक के सभी विद्यालय 50% क्षमता के साथ तथा 9वीं एवं ऊपर की कक्षाओं से संबंधित सभी स्कूल, कॉलेज और कोचिंग 100% उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। सीएम नीतीश ने यहां यह भी कहा है कि जिला प्रशासन की पूर्वानुमति से सभी प्रकार के सामाजिक, राजनीतिक, मनोरंजन, सांस्कृतिक एवं धार्मिक आयोजन अपेक्षित सावधानियों के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। विवाह समारोह, अंतिम संस्कार और श्राद्ध कार्यक्रम अधिकतम 200 व्यक्तियों की उपस्थिति के साथ आयोजित किए जा सकेंगे। सभी दुकानें, प्रतिष्ठान, शॉपिंग मॉल एवं धार्मिक स्थल सामान्य रूप से खुल सकेंगे। सभी पार्क एवं उद्यान सुबह 6 बजे से अपराह्न 2 बजे तक खुलेंगे। सिनेमा हॉल, क्लब, जिम, स्टेडियम, स्विमिंग पूल, रेस्टोरेंट एवं खाने की दुकानें आगंतुकों के साथ यानी डाइनिंग के साथ 50% क्षमता के साथ खुल सकेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार वासियों से सावधानी बरतने की भी अपील की है। कहा है कि कोरोना अभी गया नहीं है, मास्क के उपयोग के साथ ही सामाजिक दूरी का पालन करना नितांत आवश्यक है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर बिहार से, बिहार में कोरोना अनलॉक को लेकर जारी कर दी गई है नई गाइडलाइन।